हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है भिड़ौसा। जी हाँ दोस्तों, ये वही गांव है जहाँ से हमारे भारतीय जवान कह लें, नेशनल एथलीट कह लें, या फिर एक बाघी या डाकू भी बुला सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली अभी मैं खड़ा हूँ पान सिंह तोमर जी के गांव में। ये उन्हीं का गांव है और पीछे आप जो घर देख पा रहे हो ये उनका खुद का घर है, रियल घर है उनका खुद का बनाया हुआ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा उनके लाइफ के बारे में। दोस्तों वो बचपन से ही खेल कूद में बहुत ही निपुण थे, आगे ही रहते थे, और उसके बाद उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद वहाँ के जो बड़े अफसर थे उन्होंने इनकी मतलब दौड़ भाग में देखा कि ये अच्छा मतलब दौड़ते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि जो है आप जो है दौड़ में खेलकूद में ज़्यादा मतलब रुचि थी, इसलिए बोले कि आप जो है खेलकूद में चले जाइए। उसके बाद उन्होंने जो है बाधा दौड़ जो होती है, जो बाधा होती दौड़ मतलब कूदने वाली जो होती है बाधा दौड़, तो उसमें उन्होंने जो है नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं और वो हमारे भारत के लिए बहुत सारे ऐसे मेडल लाए हुए हैं और उन्होंने हमारा जो है भारत का नाम भी ऊंचा किया हुआ है। और अब आपको बता देता हूँ उनके जो उन्होंने जो है बाघी का रूप ले लिया था उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब वो जो है इंडियन आर्मी के जवान थे और उससे पहले उन्होंने 2 साल पहले ही उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया था। वो इसलिए लिया था कि क्योंकि यहाँ पे घर पे जो है आपस में जो है बहुत ही ज़्यादा परिवार में मतभेद लड़ाई दंगा हो रहा था, इस वजह से उन्होंने 2 साल पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद वो यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि जो है उनकी जो ज़मीन थी उनके चाचा जी देख रेख करते थे, उन्होंने जो है बेच दिया था, जो उनके चाचा के रिश्तेदार थे गाँव में ही थे उनको, और उन्होंने देखा कि जो पान सिंह तोमर का जो हिस्सा था वो भी उन्होंने कब्जा लिया था। इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ, इस वजह से पान सिंह तोमर जी ने कानूनी सहायता भी ली। यहाँ के जो पास का जो थाना है वहाँ भी गए और गांव में जो है सरपंच वगैरह भी बैठी, पूरी मतलब पंचायत भी बैठी, उसके बाद कलेक्टर भी आए, लेकिन तब भी उनका कुछ छुटकारा नहीं हुआ। जब उनको पता चला कि जो है जब वो कंप्लेन लिखाने गए तो जो विपक्ष वाले थे उनको पता चला तो उन्होंने जो है यहाँ पर मारपीट वगैरह भी की। मारपीट पहले उन्होंने की थी उनके बच्चों के साथ, तब वो कंप्लेन लिखाने गए। उसके बाद विवाद बढ़ता चला गया और फिर जो है पान सिंह तोमर जो है एक समय की बात है वो घर गांव के बाहर थे, तब जो है जो विपक्ष वाले थे वो आए थे घर पे, मार पिटाई भी की, उनकी माँ को भी मारा। और उसके बाद उनकी माँ जो थी उन्होंने जो है अपने बेटे यानी पान सिंह तोमर से कह दिया कि जो है मुझे शाम तक उनकी लाश चाहिए। इस वजह से वो गाँव में आए और जो है 1-2 लोगों को मार भी डाला था। इसके बाद वो जो है घर और गांव छोड़कर चंबल की तरफ चले गए। तो ये है उनका गांव और गांव पूरा, और गांव में ये उनका घर है, घर के अंदर चलेंगे और भी इनसे जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं उनके घर की तरफ, देखते हैं अब कैसा घर है, उनके समय का कुछ यहाँ पे बचा है या नहीं बचा हुआ। कहते हैं कि जो है इस घर में उनके जो चाचा थे, चाचा के बच्चे रहते हैं यानी कि उनके भतीजे रहते हैं, वो भी चलूंगा उनसे भी मिलवाऊंगा आपके, और उनके जो बच्चे हैं वो जो है झांसी के पास बबीना गांव या शहर है वहीं पर अब भी रहते हैं। उनके जो बच्चे थे, जो एक बच्चे हैं वो नहीं बचे हुए हैं, अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक लोग हैं वो भी इंडियन आर्मी में ही थे और उन्होंने अपने बच्चों को इन सभी चीज़ों से दूर रखा हुआ था। अब चलते हैं घर की तरफ और आपको उनको उनका घर दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो ये है घर पान सिंह तोमर का, और हम इस रास्ते से आए हुए थे और अभी हम चलेंगे उनके घर की तरफ। तो इधर आप देख सकते हो दादा ने बताया हुआ है कि ये घर जो है पहले ऐसा ही बना हुआ था, अभी है ये एक भारतीय जवान, और पहले तो वो भारतीय जवान ही थे लेकिन बाद में उन्होंने बाघी का रूप ले लिया। और आप मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, एक उधर दरवाज़ा बना हुआ है लेकिन इस मेन गेट से हम अंदर की तरफ चलेंगे। आप देख सकते हो ये पुराना दरवाज़ा पहले वाला ही है, देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे जंजीर लगी हुई है। अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ घर मिट्टी का बना हुआ था पूरा का पूरा, गाइस आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे एक नल भी लगा हुआ है। और अच्छा आंटी जी, सबसे पहले अपना नाम बताओ।
मेरा नाम शैल कुमारी है। अच्छा, पान सिंह तोमर जी क्या कौन लगते है? मैं बहू लगती हूँ, भाई की बहू लगती है। अच्छा, मतलब उनके भाई से। अच्छा, ये बताइए चचेरे भाई जो है उनकी, खास तो सके भाई दो थे, वो मतलब बड़े थे एक जने और ये चाचा ये छोटे थे। अच्छा, पान सिंह तोमर के जो लड़के हैं जो इंडियन आर्मी में हैं अभी, वो कभी आते हैं यहाँ? नहीं आते। अच्छा, बड़े लड़के कहाँ है? वो खत्म हो गए। हाँ, छोटे लड़का है वो, बड़े तो खत्म हो गए। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया। दादी जो छोटे लड़के हैं वो भी आर्मी में हैं? अब रिटायर है ना दोनों लोग। अच्छा, पान सिंह जी से कभी मुलाकात हुई थी? मेरे से तो नहीं हुई, हमारे ससुर से हुई थी। पर्दे पहले पर्दा ज्यादा चलता था। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं करते। अच्छा, उनके जो लड़के हैं उनसे कभी मुलाकात ना? उनसे वैसे बात हो जाती है लेकिन मुलाकात नहीं। कभी आना जाना होता है? कभी शादी वगैरह जाते हैं, जब वो चाचा खत्म हुए थे तब ये हमारी सास थी वो गई थी। अच्छा, और वैसे शादी में बुलाते हैं मगर गांव में आते नहीं। अच्छा, वो जो मतलब परिवार के थे जो बताया जाता है? हाँ हाँ, सब परिवार ही एक ही परिवार है और ये हमारे खास थे और वो मतलब थोड़ा। अच्छा, अभी आंटी कैसा गांव का माहौल है? अब क्या है, ठीक है, बोल दो तो बोल दो, ना बोल दो तो कोई, लेकिन तब भी कुछ तो होगा। नहीं, अब तो जब चाचा खत्म हो गए, लड़के बच्चे आते नहीं तो अब हम लोग तो जाते हैं। अच्छा अच्छा, वैसे जाते हैं बस, आना जाना वैसे है लेकिन ज्यादा वो नहीं है। अच्छा, पान सिंह के जमाने का यहाँ पे क्या चीज कुछ है ऐसा? अब उनके मेटल एटल थे वो तो मैंने जानते नहीं तो फेंक दिए। अच्छा अच्छा, और उनका बकस भी रखा, उनके हाथ का घर बनाया हुआ, उन्हीं के हाथ का बनवाया हुआ। अच्छा दादी, अभी कितने लोग रहते हो आप लोग यहाँ पे? अब अभी तो मेरे शादी थी तो बच्चे सब आए थे। अच्छा, अब चले गए, उस दिन आए थे तो ले गए फोटो वोटो। अच्छा, और चले गए बच्चे अच्छे सब लोग, हम ही अकेले दोनों। हाँ हाँ, अच्छा, ये चक्की बता रहे थे आप आंटी? हाँ, सब ये पड़ी है, एक वो पड़ी है। अच्छा, कोई आटा निकालने वाली, कोई चना आना दाल डालने वाली। अच्छा, बकस भी उनकी मेरे पास रखी है। अच्छा, एक बार चक्की दिखा देंगे हम, फिर बॉक्स दिखा देना, वो जो बक्सा बक्सा ना। हाँ हाँ, रखा है। चलिए आंटी दिखाओ। अच्छा, एक बार आंटी दोस्तों चलते हैं अभी घर के अंदर। ये घर पान सिंह तोमर का ही बनवाया हुआ है, उनका ही बनाया हुआ है। और अभी हम आ चुके हैं अंदर और कुछ ऐसा नजर आता है। अच्छा, ये वाला कमरा उन्हीं का है? उन्हें नहीं बनवाया था अपनी तरफ से। अच्छा, ये बक्सा है? चली गई थी चाची। अच्छा अच्छा, जब मतलब आती जाती रही है अभी तक। ऐसे हो गए 4-6 साल, अब ज्यादा बुढ़ी हो गई तो नहीं आ पाती। खेती है वो, मतलब पैसों पे उठा देती हूँ वहीं से बात करके। अच्छा अच्छा, और ये खाली कर सबसे पुरानी निशानी यही है, इसमें जो सामान है उनका है कि आप? नहीं नहीं, मैंने रख दिया। अच्छा अच्छा, यही निशानी खाली बक्सा उनका है, बस सामान। अच्छा अच्छा दादी, ये जो फोटो लगी है हमारे बच्चों की? अच्छा, आपके बच्चों की है? कोई फोटो वगैरह नहीं रखा हुआ है? चाचा की फोटो नहीं। अच्छा, काफी दिन हो गए जब ये मेरा लड़का पैदा हुआ था। हाँ, जब चाचा मारे गए। अच्छा, बहुत दिन हो गए तब इतना मुकाम। अच्छा, काफी दिन हो गए। आपके भैया जी कहाँ पे रहते हैं? ये फरीदाबाद रहते हैं। अच्छा, सराई पास। अच्छा, अभी तो सब आए थे जो उस दिन जा रही थी। हाँ हाँ, जब फोटो ले गए। अच्छा अच्छा, केवल बनवा पाए थे, प्लास्टर नहीं करवा पाए। अच्छा अच्छा, ये प्लास्टर बाद में हुआ है? काफी दिन तो पड़ा रहा है ऐसे। हाँ, फिर उसके बाद जब हमने ले लिया, हम पहले यही पुराने यही रहते थे। अच्छा, फिर यहाँ से निकल गए, वहाँ नीचे रहने लगे। अच्छा, आ गए तो जब ये 2-4 साल पड़ा रहा। अच्छा दादी जी, कितने दिनों बाद इसमें रहना शुरू किए हैं? लगभग करीब हो गए 6-7 साल। 6-7 साल तक ऐसा ही पड़ा रहा घर, कोई पूरा, नहीं रहा। पूरा घर उनके ही हाथ का बनवाया हुआ था। ये सब इतना बनवाया, चारों लोग से बाउंड्री थी। अच्छा, ये नया बना हुआ है? जो प्लास्टर है वो आपने करवाया? हाँ, तो वहाँ से आए हुए थे, उसके बाद बस 1 साल रहता है। वो तो बहुत सोचे कि मतलब उन्होंने जो है मतलब कानूनी
तरीके से सब कुछ, उनकी कोई सुनाई नहीं हुई। हाँ बस इस वजह से आप मजबूरी थी, क्योंकि उन्होंने तो बहुत ही सोचा कि पुलिस के थ्रू, यहाँ पे सुना कलेक्ट्रेट भी आते हैं, उन्होंने सारी शर्तों को भी मंजूर कर लिया था, क्योंकि वो ऐसा सुना है कि पैसे वैसे भी दे रहे थे खेत छोड़ने, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, फिर नहीं दिया। कलेक्ट्रेट वगैरह भी आते हैं यहाँ पे सब, लेकिन जब पुलिस वाले आए, दादी जब सारे रास्ते बंद हो गए तब उन्होंने ऐसा मतलब कदम गए थे। हाँ मतलब सोनिया गए कि रिपोर्ट कर दें। अच्छा मतलब हुआ हो जाएगी। अच्छा यहाँ का कौन सा थाना लगता है? सोनिया। अच्छा वहाँ पे कई बार गए होंगे। हाँ। और उन्होंने बताते हैं कि थाने वाले ने भी बोला और झगड़ा हो गया यहाँ कि मतलब हाँ कि वहाँ ये भी हुआ कि वो थाने पहुँच गए इस वजह से, और थोड़ा मतलब आग बबूला वगैरह गए थे खाने वाले, उसके बाद उनके साथ बच्चों को भी मारा था, उसके बाद पूरी कहानी हुई थी स्टार्ट। वो कहा बच्चे को तो पहले ही मारे थे। अच्छा जब गए थे बाद में रिपोर्ट लिखाने गए थे, पहले जब मारा तब जो है वही कम्प्लेन लिखाने गए थे। चलिए तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यही है घर पान सिंह तोमर जी का, आप देख सकते हो। अच्छा अच्छा ये जीना भी उन्हीं के हाथ का है, छत पे जा सकते हैं भाई। तो अभी हम चल रहे हैं छत पे, ये जो आप जीने देख पा रहे हो ये उन्हीं के हाथ का बनवाया हुआ है। तो हम आ चुके हैं उस छत पे और यहाँ से पूरा आपको गांव दिखाएंगे। ये जो आप देख पा रहे हो ये वाला कमरा ये पान सिंह तोमर जी ने ही बनवाया हुआ था, और ये है कुछ यहाँ का गाँव आप देख सकते हो। दोस्तों आप देख पा रहे हो ये है पूरा गांव, इस तरीके से चारों तरफ चंबल के बीहड़ ही बीहड़ हैं, और आप देख सकते हो बबूल के पेड़ लगे हुए। दूर तक आपको जूम करके दिखाता हूँ, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ जंगल है। ये छोटा सा गांव है, यहाँ पे भिड़ौसा गाँव है आप देख सकते हो ये, और जो विपक्ष वाले थे उनका घर भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। दोस्तों ये वाला आप जो घर देख पा रहे हो यही है वो घर जिनसे लड़ाई हुई थी, ये वाला घर। यहाँ पे साउंड सिस्टम वगैरह रखा हुआ है। तो ये है छोटा सा गांव, और यहाँ पर आने के लिए बहुत ही कम सुविधाएं हैं, बहुत ही कम मतलब टेम्पो वगैरह आते हैं, ऑटो वगैरह आते हैं। आप देख सकते हो चारों तरफ मतलब कि पूरा का पूरा गांव जो है जंगल से भिड़ा हुआ है, देखिए पूरा। लेकिन गाँव में आप देख सकते हो टावर भी लगे हुए हैं, तीन तीन टावर यहाँ पे खड़े हुए हैं। यही है गाँव, आप गाइस देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो अभी हम हैं पान सिंह तोमर के घर पर, और ऊपर अभी हम हैं। ये वाला जो आप कमरा देख पा रहे हो ये वाला कमरा पान सिंह तोमर ने अपने पैसों से ही बनवाया था, और वहाँ पर लगभग वो एक साल ही यहाँ पे रुक पाए थे। उसके बाद जो है विवाद हो चुका, और उसके बाद लड़ाई वगैरह हुई और वो चंबल के रूप में चंबल की तरफ चले गए। दोस्तों आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा गाँव, धूप बहुत ही तेज है। यही है उनका गाँव, रियल गाँव जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, छोटा सा गांव है, और ये मुरैना में आता है, मुरैना मध्य प्रदेश। और इस गांव की खासियत मैं आपको बता देता हूँ, इस गांव में जितने भी घर हैं सारे के सारे अधिकतर घर आपको नीले कलर से पेंटेड मिलेंगे। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, सारे घर अधिकतर नीले ही पेंटेड हैं। पर आप देख सकते हो ये जो पान सिंह तोमर जी का घर है ये भी नीला कलर से पेंटेड है, और इधर के आप घर देख सकते हो उधर भी आपको नजर आ रहे हैं, ये भी नीले कलर से ही कलर हैं। ये आप देख सकते हो ज़्यादातर इस गांव के घर जो हैं वो नीले कलर से ही पुते हुए हैं। ये आप देख सकते हो, इधर भी देखिए, ये आप देख सकते हो गाइस। तो अब मैं उनके समय की मैं चक्की दिखाने वाला हूँ। ये आप देख पा रहे हो ये जो यहाँ पे चक्की पड़ी हुई है, चकिया जिन्हें बोलते हैं हम लोग, ये पान सिंह तोमर जी ही खरीद कर लाए हुए थे। ये आप देख पा रहे हो, ये देखिए कितनी पुरानी हो चुकी हैं, पत्थर की बनी हुई हैं, वे उन्होंने खुद ये चक्कियाँ खरीदी हुई थी। और दोस्तों आप देख सकते हो इधर ये कुछ ऐसा बना हुआ है, पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है, इसमें भूसा बेसिकली भरा हुआ है, और ये कुछ ऐसा यहाँ पे घर आपको नजर आएगा इस तरीके से, ये आप देख सकते हो ऐसे जैसे होकर मातन को चले। अच्छा कितने दिन यहाँ पे शूटिंग चली थी दादी? ऐसे ले जाते रहे हैं, फिर आते रहे, फिर ले जाते रहे। अच्छा काफी घर को फिल्म में दिखाया उन्होंने? अच्छा वो जो घर दिखाया जाता यही घर था? अच्छा मैंने सोचा था कि वो दूसरा घर है। अच्छा और इधर से जाते हैं भागते हुए? लेकिन तब मुझे लगता है ये वाली बाउंड्री नहीं थी, ये मतलब छोटी छोटी थी। हाँ अच्छा, हाँ वही तो। अच्छा ये छोटी छोटी थी जब वो फिल्म बनाने आए थे? दरवाजा भी नहीं था उधर से दरवाजा। अच्छा उधर से दरवाजा था, उधर से दरवाजा। अच्छा फिल्म में जो दिखाया गया है दरवाजा तो मेन था।
अच्छा दादी, जो फिल्म में दिखाया गया है कि मतलब वो जो विपक्ष वाले होते हैं वो डंडे वगैरह लेके आते हैं यहाँ से, इधर के जो पान सिंह तोमर के बेटे होते हैं वो बंदूक वगैरह निकालते हैं, तो इसी घर में निकालते हैं? अच्छा, ऊपर चढ़ के। अच्छा जब ये बताइए, यहाँ पे शूटिंग वगैरह हो रही थी तो दोस्तों दादी ने इम्पोर्टेंट जानकारी दे दी कि जो फिल्म शूट हुई थी बेसिकली इसी गांव में शूट हुई थी, और उन्होंने बताया इधर से सब लोग गए थे और उधर से घूमते हुए आए थे। तो दोस्तों ये मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पर मतलब फिल्म भी शूट हो चुकी है, आप दोस्तों देख सकते हो। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हो नीचे है आसन नदी, ये आप देख सकते हो, और अभी मैं उस स्थान पर हूँ पान सिंह तोमर के गांव में, और उस स्थान पे हूँ, उस पवित्र स्थान पर हूँ जहाँ पर उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था। आप देख सकते होगा ये आसन नदी, अभी ये आप देख पा रहे हो ये जो मंदिर है, यहाँ पर एक मंदिर ऐसा भी है, ये देखिए श्री हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे, और यहाँ पे मनसा देवी का जो मंदिर है उसे हमारे पान सिंह तोमर ने बनवाया हुआ था। तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ गाइस, ये देखिए लिखा हुआ है माँ मनसा देवी। ये देखिए ये जो मंदिर आप देख पा रहे हो, इसी मंदिर को जो है पान सिंह तोमर ने बनवाया हुआ था, आप देख सकते हो गाइस ये। और ये देखिए पत्थर वगैरह भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने देखा, हमने जो है हमारे भारत के जवान बाधा दौड़ के धावक नेशनल चैंपियन पान सिंह तोमर जी का रियल घर दिखा दिया, रियल गांव में आए हुए थे, लेकिन अब भी माहौल कुछ उस तरीके से नहीं है, लेकिन उतना भी ठीक ठाक नहीं है। और इसी गांव में पान सिंह तोमर फिल्म भी शूट हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, उनकी कहानी विकिपीडिया पर भी आप पढ़ सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, उनके जो भतीजे हैं उनसे भी हमने बात किया, और जो उनकी बहू हैं उनसे भी हमने बातचीत यहाँ पे की, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी दिखाई, जैसे कि वो चक्की दिखाया, बक्सा रखा हुआ वो दिखाया, उनके द्वारा बनवाया गया रूम भी दिखाया, और पूरा घर दिखाया, गांव का कुछ ऊपर से व्यू वगैरह लिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।